समिति ब्यावरा जिला राजगढ़ द्वारा श्रीमती निवेदिता मुदगल अध्यक्ष के नेतृत्व में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढकोरा में आयोजित किया गया, जिसमें विधिक जागरूकता शिविर ग्रामवासियों की प्रदान की नालसा एवं सालसा योजनाओं के विषय पर अखिल भारतीय साक्षरता एवं जागरूकता व आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा अभिभावक व वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण आश्रम विहीन व्यक्तियों के अधिकार अपराध पीड़िता प्रतिकार स्कीम 2015 मोटर अधिनियम पर्यावरण उपभोक्ता फोरम आदि सामान्य विषय पर कानूनी जानकारी दी गई। इसी अवसर पर श्री कमलेश ओझा जनपद CEO भावना लभाते ब्लॉक समन्वयक जगदीश पुष्पद अधिवक्ता अब्दुल हकीम अंसारी हिंदू सिंह यादव सभी अधिकारीगण एवं ग्राम पंचायत सरपंच आशा कार्यकर्ता सामाजिक गण मौजूद रहे। ब्यावरा से संवाददाता रघुवीर सिंह बना की खास रिपोर्ट। एक नियम बना लो, हमें जो भी काम कार्यक्रम था तो हमें अब जियो टैग करना है। कब हमने कार्यक्रम किया, हमें अगर हमें रिकॉर्ड टीपी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने फोटो कहीं नहीं पता, व्हाट्सएप फोटो कहीं पे, जब तक आप जियो टैग नहीं करेंगे हमने कब कार्यक्रम हुआ। इसे आज़ादी के मौसम में कार्यक्रम है, बार बार PS मॉडल डाल रहे हैं, ये पंचायत ग्राम विकास काम है, इन्हीं को सौंपा गया, सभी बात कर रहे हैं, कृपया जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसे जियो टैग फोटो खींचे, जिससे पहले कब कार्यक्रम हुआ था। मैं अपनी मांगी अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ की जगह जन जागरण अभियान के तहत बहुत सारी योजना का शुभारंभ किया है। इस विषय में हम पूछते हैं मैडम जी से, आज किन किन विषयों पे लोगों से चर्चा की? ये ग्राम पंचायत ढकोरा में आज विधिक साक्षरता जागरूकता जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। यहाँ जो नालसा और सालसा है हमारे, उसमें जो विधिक योजनाएँ हैं उनके ऊपर इन सबको जानकारी दी गई है। कन्या भ्रूण हत्या हो या फिर पर्यावरण से संबंधित हो, मनरेगा, ये असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों से संबंधित हो, नशा मुक्ति अभियान, इनसे इस तरह से हमारे नालसा और सालसा की जो कई योजनाएं हैं उनकी इनको जानकारी दी गई और जो छोटे छोटे रोज़मर्रा में आने वाले दैनिक कानून हैं उनके बारे में इनको जानकारी दी गई, जिससे ये जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, उससे अपना बचाव कर सकें और विशेषकर उनको मैं बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों से सचेत रहने के लिए और किस तरह से कानूनी मदद ली जा सके उसकी जानकारी दी गई। और जो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के, वो बिना बीमा या ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, उससे बचें, जिससे कि भविष्य में जो एक नया मोटरयान अधिनियम संशोधित लागू हो रहा है उसके प्रावधानों की इनको जानकारी दी गई। बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, जैसे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी नहीं चलाने चाहिए, वाहन नहीं चलाने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, और जैसे नशा मुक्ति और झगड़ा प्रथा, ऐसी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैं हमारे जनपद सी और मैडम द्वारा जे द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई। हम सी ओ साहब से पूछते हैं कि उन्होंने पंचायत को और किन किन विषयों पर जनपद द्वारा जानकारी बताई। देखिए, हर एक की अपनी आवश्यकताएं होती है। भारत सरकार की मनरेगा योजना है और पन्ने वित्त आयोग के अंदर हम क्या नियमानुसार क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे विकास हो सकते हैं, जैसे ADG मैडम श्रीमती निवेदिता मुदगल मैडम ने सारे मोटर अधिनियम के बारे में, बीमा के बारे में, जैसे हमारे यहाँ है मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत, ये कर्मकार मंडल है, यदि कोई 90 दिन काम करता है, यदि वो अपना श्रम कार्ड बना लेता है तो उसको 2 लाख सामान्य मौत पर और उस दुर्घटनाग्रस्त होने पर 4 लाख का लाभ है, लेकिन हम बनवाते नहीं, उनको पता नहीं। जागरूकता तो यहाँ जागरूकता किया गया कि जो भी व्यक्ति 90 दिन काम कर लेता है और मनरेगा में ये सुविधा है, यदि 50 दिन काम किया तब भी हम श्रम कार्ड बना लेते हैं। बहुत सारी योजनाओं पे जो न्याय हित के लिए चर्चा की गई, ये शिविर बड़ा उपादेयी साबित होगा और हमारे जो न्यायाधीशगणों ने जानकारी दी, पूरा जनपद पंचायत परिवार और ढकोरा परिवार सभी को वंदन अभिनंदन करती है, धन्यवाद। जैसे कि सर ने बताया कि जो श्रमजीवी का कार्ड बनता है वो 50 दिन
काम करने के बाद में बनता है। और ऐसी योजना आम आदमी तक पहुंचने के लिए पंचायत को भी सुलभ और शुभ कार्य करने चाहिए, क्योंकि जैसे डोंडी पिटवाना ना, यहाँ पंचायत में जब भी आम सभा हो लोगों को प्रेरित करना कि आपको किस योजना का किस तरीके से लाभ मिलेगा, ये पंचायत का दायित्व बनता है। और आगे चल के ऐसे कार्य करने के लिए हम उनके को मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अभी हमारे यहाँ के वर्तमान ढकोरा के सरपंच साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कोविड में लोगों को टीकाकरण में कितना अपना प्रयास किया है और कैसे लोगों को प्रेरित किया है और कितना टीकाकरण आपके यहाँ जैसे हुआ? जैसे गांव में चौकीदार फिर हुआ है और टीका वालों को सबको जो रहे हैं उनको बुलाए, और जो गांव से नहीं आते हैं उनको हम भी भेजते थे, हम भी स्वयं साथ आते थे और सभी लोगों का आगे रह के लगवाते थे। और कुछ लोग वे भी गए थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ के बाहर से थे, उन्हें भी बुलवा के और लगवाए हैं। जैसे कोई बाहर थे कोई वहाँ, तो वहीं भी खबर की क्यों आप वहीं लगवा सकते हो आपका आधार कार्ड से, इसलिए इतने ही कर पाए हम भी। हाँ सर, मैंने बहुत सारी पंचायतों में जाके देखा, देखने के बारे में मुझे ये मालूम हुआ कि बहुत सारी राशन दुकान है वहाँ की जगह 60 से 70 साल की जो महिला हैं उनके नाम कटे हैं, उन्हें जुड़वाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? 60 से 70 साल की जो महिला हैं, जो जिसने आके बोले हमसे कि भाई हमारा नाम जुड़वाए, तत्काल उनका नाम जुड़वाए। हाँ, क्योंकि राशन दुकानों पे देखा है कि बहुत सारी महिलाओं का नाम जो कटे हैं सर आज तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए आपने प्रयास किए हैं और उनके नाम जुड़े हैं? हाँ, जुड़ा है ना। ठीक है, धन्यवाद। मैं राजधानी समाचार के साथ में रघुवीर बना ब्यावरा से, और नई खबरों के साथ में आप जुड़े रहिए और हर खबरों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे मीडिया के माध्यम से, और जो भी शासन की योजना रहेगी हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।